हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। गर्मियों में ठंडी ठंडी छाछ पीने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। फ्रेंड, बाजार के मसाले में ऐसा क्या होता है जो लस्सी में डालते ही लस्सी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मैं वही रेसिपी लेकर आई हूँ, छाछ मसाला पाउडर, जिसका टेस्ट बाजार से भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं छाछ मसाला पाउडर बनाना। नमस्कार, मैं सरोज बठेला, दादी की किचन में आप सभी का स्वागत है। ये गैस चलाया मैंने, पैन रखा, 1.5 टेबल स्पून मैंने धनिया डाला हुआ, 2 टेबल स्पून जीरा है, इसमें कुछ काली मिर्च है 15-20 के आसपास है, लौंग है 3, छोटा सा टुकड़ा आधा इंच दालचीनी का है। मिर्च जैसा आपने तीखा खाना हो अपने हिसाब से डाल सकते हो। एक बार मैंने गैस फुल किया है, पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा, ये मसाले अच्छे से गर्म हो जाएंगे तो इसको गैस को जो फ्लेम है सिम पे कर देंगे। इसको भूनना है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी, ये चटक भी जाएंगे, कलर भी चेंज हो जाएगा, तब तक इसको आपने भूनना है। इसका कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन क्या है कि टाइम बहुत कम लेती है भूनने में। अब मैंने गैस को कर दिया बंद, क्योंकि ये पैन गर्म है, मसाले गर्म है तो इसी में चटक जाएगी अजवाइन, उसके लिए अलग से टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। अब इसको ठंडा करने के लिए मैं दूसरी प्लेट में शिफ्ट करती हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। ये लीजिए, मसाले ठंडे हो गए हैं, अब इसको मिक्सी के जार में शिफ्ट करती हूँ। ये लिया मैंने सेंधा नमक 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून ही काला नमक लिया है। ये मसालों में ज़्यादा डलता है, क्योंकि आप लस्सी में डालेंगे मसाला तो नमक की क्वांटिटी पूरी होगी, ऊपर से नहीं डालनी पड़ेगी, इसीलिए सब डालूंगी। तो इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना कुछ भी। ये 1/2 टेबल स्पून है जो मैंने पुदीना पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हींग ली है, हींग ली है, ये मसाले इसमें डाल दिए सारे, अब इसको पीसते हैं। ये लीजिए फ्रेंड, कितना बढ़िया मसाला बना है, लस्सी का मसाला बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनता है। इसको मेरे को छानने की ज़रूरत है भी नहीं, देखो पिसाई आपको दिख रही है ना, इसको छानने की ज़रूरत भी नहीं पीते, इतना अच्छा पिसा है ये। एक गिलास में 1 टीस्पून डालो, फर्स्ट क्लास टेस्ट आएगा इसका, क्योंकि इसमें नमक मिर्ची सबकी मात्रा बहुत अच्छे से डली हुई है। इसमें ऊपर से कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी वीडियो आपको पसंद आ जाए ना, उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़रूर, ऐसे शानदार टेस्टी टेस्टी मसाले का फैमिली में और फ्रेंड्स में, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा बना है। थैंक यू, मिलते हैं अगली नई सी रेसिपी लेकर।